एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आज कुछ सब्जियां मेरे गार्डन में रेडी हुआ है तोड़ने के लिए, तो आज मैं फिर से जा रही हूँ गार्डन में। चलो, पहले मैं जाऊंगी ड्रमस्टिक तोड़ने के लिए, और ये छोटा सा जो गार्डन है, ये मेरा गार्डन है, वो ड्रमस्टिक वाला फिर वहां पे है। आ जाओ। काफी दूर हो गया, फिर भी हाथ से तोड़ता नहीं रहा हूँ। ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, आओ प्लीज। खूब सारे हैं, पर हम तो जितना जरूरत है उतना ही तोड़ेंगे, और एक दो तोड़ लेते हैं। हमारे लिए तो काफी है। ड्रमस्टिक हो गया, अभी चलो मूली। अरे देखो, इसका साथ तो खराब हो गया। खराब हो गया सब। इसको लेंगे तो फेंक देंगे, फेंक दूंगी ना, ना सब ले लो। अब चलो अंदर क्या क्या मिलता है देखते हैं। पम्पकिन के दो फ्लावर भी है, तोड़ेंगे। और है क्या ऊपर, ये देखो देखो, क्यूट सुंदर फ्लावर। अब अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो सब्जियां मुझे मिलेगी वो तोड़ेंगे। ये देखो, पर ये अभी तोड़ने के लिए रेडी नहीं है, ये और भी बड़ा होगा, मोटा होगा। और नीचे भी है बैंगन, उसको मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वो पूरा छुप गया, पीछे का तरफ हो गया। बाकी तो काफ़ी सारा फ्लावरिंग हो रहा है। और एक चीज़ दिखाओ, लेमन का कुछ दिन पहले फूल खिला था, जिससे छोटी छोटी लेमन बनने लगी है। पता नहीं ये शायद हो पाए। आज मैंने प्याज के, ये जो हरा प्याज है ये नहीं तोड़ेंगे, आज नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये जब भी ज़रूरत पड़ेगा फ्रेश तोड़ेंगे। मिर्ची भी नहीं तोड़ेंगे, और ये तोड़ेंगे आज। ये प्याज का फ्लावर है, देख सकते हैं, और इसको भी एज ए वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये भी तीन चार आया है इसमें, इसको तोड़ेंगे। ये चार स्टिक मुझे मोटा मोटा मिला, बाकी ये देखो दो छोटी छोटी है, दो छोटी छोटी। इसको भी तोड़ लेंगे, क्या सोच रही हूँ। इसको और थोड़ा बड़ा होने देते हैं, इसको छोड़ देंगे अभी। आज मैंने पालक को भी हार्वेस्ट नहीं करेंगे, आज तो खूब सारा सिंफल ही हार्वेस्ट करेंगे। मोटे मोटे हो गया, कुछ कुछ बन रहा है अभी फ्लावर से, देखो ये छोटा छोटा भी बन रहा है। कुछ तो मोटा हो गया, जैसे ये देखो, काफी सारा बना है सिंपली आज तो।
देखो इतना हो गया, फिर भी है इस तरफ कुछ, वो भी तोड़ेंगे। ये देखो बस कंप्लीट। अब मटर, एक बीन्स का फाली है, बाकी सब छोटा छोटा, और इतनी थोड़ी सी मटर बस, और सब भाली। सो आज मेरे गार्डन से जरूरत के हिसाब से इतना कुछ मैंने तोड़ा, हार्वेस्ट किया, देख सकते हैं। आज मैंने जो जो हार्वेस्ट किया मेरे गार्डन की छोटी सी किचन गार्डन पे, उसको ही आज दोपहर में जो लंच बनाएंगे, ये सारी वेजिटेबल्स ही, सारे प्रिपरेशन मेरा बन के रेडी होगा। तो चलो मेरे किचन में। अपने मिनी किचन गार्डन से हार्वेस्ट किए हुए ऑर्गेनिक सारे वेजिटेबल्स को मैंने कुछ इस तरीके से काट करके एक साथ मैं पानी में डुबो रही हूँ। सारे वेजिटेबल्स को एक साथ ही शामिल करेंगे सब्जियों में, जिसके लिए एक साथ ही मैं काट कर रही हूँ। और घर से लिया आलू और बैंगन मैं घर से फ्रिज से निकाल के लिया था, बाकी सब सब्जियाँ मेरे गार्डन का ही है, जैसे मैंने पहले भी दिखा चुकी हूँ। और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का टेस्ट तो कुछ और ही होगा, इसको मैंने तामझाम कुछ रेसिपी में कॉन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको सिंपली एक झोल टाइप का हल्का सा जस्ट राइस के साथ मिला के खाने के लिए झोल टाइप का मैं बनाऊँगी, जिसके लिए यहाँ पर देख ही सकते हैं। और एक सब्जी मैं आज बना रही हूँ राइस के साथ, क्योंकि और कुछ बनाने का मुझे मन नहीं हो रहा था, इसलिए तो ये राइस और ये वेजिटेबल्स, और इसमें मैंने बढ़िया भी शामिल किया, जिससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मेरा यहाँ पे सब्जी रेडी है, यहाँ पे हम तो राइस के साथ खाएंगे, तो इसके साथ ही सर्व कर रही हूँ मैं। और इस वीडियो को गाइस मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय दोस्तों, सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा स्माइल करते रहना। ओके, आज के लिए टाटा बाय।